दुरंगी छोड़ यक रंग हो जा, या सरासर मोम, या सरासर संग हो जा। यानी सबसे ज्यादा अगर रसूल की इताअत, फरमाबरदारी और पैरवी का हुक्म अगर है ना, वो सूरह निसा में ही है 5वें पारे में। कितने पैराए में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को बयान किया है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और अपने अमीर की और अपने हुक्मरानों की इताअत करो जब तक वो खैर का हुक्म दें। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब पैगम्बर तेरे रब की कसम ये मोमन नहीं हो सकते, ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते, यहाँ तक कि ये आपको अपना हाकिम, अपना मुनसिफ, अपना जज, अपना फैसल तस्लीम कर ले। फिर आप जो फैसला कर दे, आपकी हदीस फैसला कर दे, आपका फरमान फैसला कर दे, आपने को कानून मुकर्रर कर दिया क़यामत तक के लिए, फिर उस कानून को आपके फैसले पर ला यजिदू फी अनफुसिहिम हराजा, अपने नफ्स में कोई हर्ज महसूस ना करे। आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने आसमान से उतारी है, किताबुल्लाह, कुरान करीम, व इला रसूल, और रसूल की तरफ आओ। तो फरमाया कि अगर फिर भी वो दुरुस्त नहीं होती कि न चाकी है, न फरमानी है, नशूज़ है, तो फिर आखिरी मरला फिर वही रहता है कि बड़े गुनाह से बचने के लिए, हक तलफी से बचने के लिए फिर मियाँ बीवी दोनों जुदा हो जाए, तलाक दे दी जाए। अच्छा, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मसला हल बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं इससे पहले भी वइन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिहा, कि अगर लोगों को डर है कि ये लड़का और लड़की हैं, मियाँ बीवी हैं, अभी नौउम्र हैं या दरमियान उम्र में हैं, तो ये आपस में लड़ रहे हैं, नचाकी हो रही है, तो अल्लाह फरमाते अगर तुम्हें अंदेशा है ना, तो एक आदमी हाकिम, मुनसिफ, समझदार लड़के वालों की तरफ से आ जाए, वह हकम मिन अहलिहा, एक हाकिम, मुनसिफ, अक्लमंद आदमी, मुनसिफ मजाज लड़की वालों की तरफ से आ जाए, दोनों को रूबरू बिठा कर दोनों की बात सुने, मसला क्या है, गलती किसकी है, नाइंसाफ़ी किधर से हो रही है, तो वो दोनों के दरमियान सुलह करवा दे। और अल्लाह फरमाते सुलह ही खैर है। और अगर दोनों आपस में सुलह करते हैं तो अल्लाह इंशाअल्लाह दोनों में इत्तिफाक और इत्तेहाद दे देगा। ये अल्लाह ने एक हल बयान किया है कि जो आज तकरीबन इस आयत पर अमल नहीं है, मतलब तो वैसे ही कुरान पर अमल नहीं, हदीस पर अमल है ही नहीं है। अब ज़रा सी बात हुई, लड़की से गलती हुई, बीवी से गलती हुई, खातून से गलती हुई, तो शोहर जो है वो आग बगोला हो जाते हैं, तलाक तलाक तलाक, और चली जा मेरे घर से, ये वो दूसरा तीसरा। बेदीनी है, जहालत, लाइल्मी। मर्द बड़े हौसले वाला होता है। अच्छा, कई मामला उल्ट भी है कि अगर शोहर से कोई गलती हो गई, कोई नान नफके में कोई मसला हो जाता है, घरों में बेशुमार मसाइल हैं, गुर्बत के है, महंगाई है, तो थोड़ा गुस्सा हो गया, तो अब जो है ना वो औरत फ़ौरन तलाक दे मुझे, तलाक दो मुझे, तू अगर बाप का है तो मुझे तलाक दे, तू वक़्य के मर्द है तो तलाक दे, पीछा भी नहीं छोड़ती। बेशुमार मेरे पास इस तरह के केस आते हैं। बिल्कुल ये मामला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ रखें। इस वक्त लाखों बल्कि करोड़ों तक पहुंच चुकी हैं ख़वातीन जो शादी की उम्र क्रॉस कर रही हैं और उनकी शादी नहीं हुई, और अभी और जो उनकी हो चुकी हैं उनके अंदर हौसला ही नहीं है, ना मर्दों के अंदर हौसला है, ना औरतों के अंदर आज हौसला है, बर्दाश्त नहीं है। हालांकि ये इस्लाम का शेवा है कि गुस्से को पी जाएं हम, और उसका हल ये है कि खामोशी से इधर उधर हो जाएं, शोहर हो जाए, बीवी अलग हो जाए, पानी पी लें, और ये फिर अपने दोनों अपने बड़ों को बताएं, बैठकर दोनों की सुलह आपस में करवाएंगे। अल्लाह फरमाते अल्लाह इंशाअल्लाह दोनों के दरमियान इत्तिफाक इत्तेहाद दे देगा। ये तो था ख़वातीन के हवाले से। कुछ और बातें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में बताई हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ ये भी बयान किया कि ईमान वालों, आप अपना माल आपस में बातिल तरीके से ना खाओ। अपना माल, अब अपना माल बातिल तरीके से, मुसलमान का माल हमारा माल है, मुसलमान का माल अपना माल होता है ना। हाँ, तो अपना माल भी होता है जो ज़ाती, वो भी अपना ही होता है। तो इसलिए फरमाया कि एक तो इसराफ और तबज़ीर ना करो, फजूल खर्ची ना करो, ऐसे खाब का माल ना उड़ाओ। दूसरी बात है कि हीला साजियाँ करके भी माल लोगों का हड़प ना करो, उसमें हराम तरीके आ जाते हैं, रिश्वत आ जाती है, बेशुमार और ज़राए हैं। अल्लाह फरमाते हैं इस तरीके से बातिल तरीके से माल ना खाओ। लेकिन आज अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बस मैं क्या कहूँ, रिश्वत तो हमारे यहाँ करप्शन तो है ही है ना, ख़यानत। लेकिन उलमा जो आज कल आते हैं ना, उलमा आलिम दीन, उन्होंने भी ऐसे ऐसे हीले इख्तियार कर लिए लोगों का माल हड़प करने के वाले से कि भाई हमारा भी चलो सिस्टम चलता रहे। हैं जी, उन्होंने भी बेशुमार गमी और खुशियों के नाम पर हीले कर कर के लोगों का माल वो खा रहे हैं। देख ले आप, सहाबा कराम की ज़िंदगी हमारे सामने है, बिल्कुल सामने है कि क्या ये कुछ जो आज हमारे यहाँ गमी खुशी के नाम पर और कई कई दिन तक उनके घरों पे जो है ना वो कहना भाई ये खिलाओ, वो दिन खिलाओ, ये दिन बनाओ, वो दिन बनाओ, और चलते रहे लंगर, ये सिलसिला था। अल्लाहु अकबर, शरीयत की मुखालफत है। और इसी सूरह निसा में अल्लाह फरमाते हैं 5वें पारे में, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व सात मसीरा। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, हदायत वाज़े हो जाने के बाद, रास्ता वाज़े हो जाने के बाद, शरीयत खुलम खुला किताब व सुन्नत बग़ैर तग़य्युर तबद्दुल के, बग़ैर किसी हुक्को तरमीम के, तरोताज़ा जिस शक्ल में नाज़िल हुआ, जिस तरतीब से नाज़िल हुआ, आज भी कुरान भी मौजूद, हदीस भी मौजूद। फरमाया इतना सब कुछ वाज़े और मौजूदगी के बावजूद जो रसूल की मुखालफत करेंगे, वयत्तबे गैर सबीलिल मोमिनीन, और मोमिनों का रास्ता छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे, मोमिनों का मनहज छोड़कर कोई और मनहज। इससे मुराद सहाबा कराम है, इससे मुराद सहाबा कराम है कि सहाबा कराम का रास्ता छोड़कर, उनका मनहज छोड़कर, उनका तरीका छोड़कर कोई और तरीका इख्तियार करेंगे। नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उधर ही चलाएँगे जिधर वो जाना चाहता है, व नुस्लिही जहन्नम, फिर हम उसको जहन्नम में डाल देंगे, वसाअत मसीरा, और ये बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरा ठिकाना है। तो ये भी साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सूरत में धमकी लगा दी कि देखो सब कुछ वाज़े हो जाने के बाद उसकी पैरवी करो। बल्कि यहाँ इस सूरत में ना इत्तिबाए रसूल का हुक्म बहुत ज़्यादा दिया गया है, यानी सबसे ज़्यादा अगर रसूल की इताअत, फरमाबरदारी और पैरवी का हुक्म अगर है ना, वो सूरह निसा में ही है 5वें पारे में। कितने पैराए में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को बयान किया है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और अपने अमीर की और अपने हुक्मरानों की इताअत करो जब तक वो खैर का हुक्म दें। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। हाँ, अगर तुम्हारा झगड़ा हो गया, रियाया का अवाम का झगड़ा हो गया, रियाया का हाकम का झगड़ा हो गया, दो आदमियों का झगड़ा हो गया, उस्ताद शागिर्द का झगड़ा हो गया, दोस्त दोस्त का झगड़ा हो गया, तनाज़ा तुम फ़ी शय्इन, तनाज़ा हो गया किसी मामले में, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो अपना मामला अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में पेश कर दो। कुरान पर पेश करो, हदीस पर पेश करो, जो फैसला अल्लाह और उसके रसूल कर दे आप उसको तस्लीम कर लो। ये बेहतरीन इंजाम के अतबार से, नतीजे के अतबार से बेहतरीन है। अगली आयत में क्या फरमाया, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मेरे महबूब पैगम्बर, अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब पैगम्बर तेरे रब की कसम, फला व रब्बिक, तेरे रब की कसम, ये मोमिन नहीं हो सकते, ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि ये आपको अपना हाकिम, अपना मुनसिफ, अपना जज, अपना फैसल तस्लीम कर ले, अपने मामलात में, अपने मसाइल में, इख्तलाफी मसाइल में, तनाज़े में, हत्ता युहक्किमूका, आपको अपना हाकिम मान ले, फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हराजा, फिर आप जो फैसला कर दें, आपकी हदीस फैसला कर दे, आपका फरमान फैसला कर दे, आपने को कानून मुकर्रर कर दिया क़यामत तक के लिए, फिर उस कानून को है जी आपके फैसले पर ला यजुदुफ़ी अनफुसिम हराजा, अपने नफ्स में कोई हर्ज महसूस ना करें, तंगी महसूस ना करें, खफकी महसूस ना करें। व युसल्लिमू तस्लीमा, और इसके सामने अपनी गर्दन झुका दें, इसको तस्लीम भी करें, इस पर अमल भी करें और इस पर खुश भी हो जाए, राज़ी भी हो जाए, तब जाकर ये मोमिन होंगे। वगरना फला, तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं, ये मुसलमान नहीं, ये किसी कातिब नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा, अगली आयत में क्या फरमाया? सुभान अल्लाह। वमन युति अल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह की पैरवी करेगा, अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, फर्मा बरदारी करेगा, फ़ाउलाइका मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसन औलाइक रफ़ीका। अल्लाह की पैरवी करने वाले, अल्लाह के रसूल की बात मानने वाले, रसूल की इक़्तिदा करने वाले, रसूल की हदीसों पर अमल करने वाले, रसूल के दिए हुए रास्ते पर चलने वाले किन लोगों के साथ होंगे? मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम, ये इनाम याफ्ता लोगों के साथ होंगे, जिसका सूरह फातिहा में हम कहते हैं अनअमता इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। कौन है? कौन है इनाम याफ्ता? जिसकी हर नमाज की हर रकत में, खा वो नमाज फ़र्ज हो, सुन्नत हो, वितर हो, हैं जी, वो जनाजा हो, कुसूफ हो, खुसूफ हो, ईदैन हो, वो सलाते इस्तिस्का हो, वो कोई नफली हो, वो जनाब तहियतुल मस्जिद हो, वो शुक्राने की नमाज हो, दुनिया की किसी किस्म की नमाज हो, हर नमाज की हर रकत में बावुज़ होकर, सीने पर हाथ बांधकर, अल्लाह के हुजूर खड़े होकर हम अल्लाह की तारीफ़ के बाद हम अल्लाह के साथ वादा करते हैं कि सिर्फ़ तेरी इबादत करेंगे, सिर्फ तू इससे मदद मांगेंगे। उसके बाद कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला, पगडंडियों से, लिंक रोडों से बचा के रख, सीधा रास्ता। कौन सा सीधा रास्ता? तेरे इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। हम हर नमाज में अल्लाह से इस रास्ते का सवाल करते हैं। कौन है? अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, सबसे पहले अंबिया का रास्ता, नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन, सच बोलने वालों का रास्ता, हाँ जी, वश्शुहदा, जो अल्लाह के रास्ते में जाम शहादत नोश कर गए, अल्लाह के दीन के बुलंदी के लिए, अल्लाह के कलमा के बुलंदी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये उनका रास्ता है जिसका हम नमाज में अल्लाह से सवाल करते हैं। शहीदों का रास्ता, जिस रास्ते पर शहीद चल कर गए और शहादत को खलत उन्होंने पहन ली, जाम शहादत नोश किया, इस एजाज़ से सरफराज हुए। व शुहदा व सालिहीन, फिर हम कहते या अल्लाह नेक लोगों के रास्ते पे चला, नेक लोगों के रास्ते पे चला, सालिहीन, हैं जी, नेक लोगों के। और दुनिया में नेक लोगों से वैसे ही लोगों को नफरत है, नेक लोगों को लोग घटिया समझते हैं। और नमाज में हम कहते हैं कि या अल्लाह नबियों का, सच बोलने वाले, शहीद और नेकोकार जो लोग हैं उनके रास्ते पर हमें चला, वह हसन औलाइक रफ़ीका। फिर इस सूरत में मुनाफिकीन का भी बड़ा तस्करा है, तीन चार एतबार से उनका तस्करा हुआ। एक तो ये बयान किया कि मुनाफिकीन जो हैं ये धोखा देते हैं, अल्लाह को और रसूल को और लोगों को धोखा देते हैं, हालांकि धोखा खुद अपने नुकसान उठा रहे। फरमाया कि ये मोमिनों को छोड़कर काफिरों से तल्लुकात इस्तवार करते हैं, काफिरों से मोहब्बत करते हैं, काफिरों के साथ तल्लुकात रखते हैं, समझ आ गई ना जी। और उनके अब तक उन्हें इंदहुमुल इज़्ज़ा, ये उनसे इज़्ज़त तलाश करते हैं कि काफिरों के पास हमारी इज़्ज़त है, उनके साथ तल्लुकात हो जाए तो हमारी भी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। हैं फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाह जमिया, इज़्ज़तों का मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। इज़्ज़त तो इस्लाम में है, इज़्ज़त तो अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने में है। एक तो ये फरमाया कि उनसे, ये काफिरों से इसलिए दोस्ती करते हैं, तल्लुकात, उनका कहना मानते हैं कि ताकि काफिर नाराज़ ना हो जाए, हमारी इज़्ज़त में फ़र्क ना आ जाए। ये मुनाफिक की निशानी है, वो हमारे हुक्मरान हों या गैर हों। अच्छा, एक निशानी इनकी ये बतलाई कि वईदाकीम तला रसूल रई तल मुनाफिकीन यसुद्दून अनक सुदूदा। अब ये इस पर आज पे गौर करो। वईदाकीम तालो इलामा अनजल्ला, जब इन लोगों से कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने उतारी, वही कुरान व इला रसूल और रसूल की तरफ, दो चीज़ों की दावत, तालो इला मा अनज़लल्लाहु व इला रसूल, आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने आसमान से उतारी है, किताबुल्लाह कुरान करीम, व इला रसूल और रसूल की तरफ आओ। तो रसूल से मुराद क्या? हदीस। रसूल से मुराद हदीस है। रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अनका सुदूदा। अल्लाह फरमाते आप देखोगे कि मुनाफिक कुरान से नहीं रोकते, दावत है कि आओ कुरान की तरफ और हदीस की तरफ, लेकिन यसुद्दून अनका, ये आपसे लोगों को रोकते हैं, हदीस से दूर करते हैं, हदीस में शकुक व शुबहात डालते हैं, ये मुनकर हदीस है, ये मुखालिफ हदीस है, ये मुलाहिद। मुनाफिकीन की ये सिफत बयान की जा रही है कि मुनाफिक और ये ऐसे बदबख्त लोग कुरान से नहीं लोगों को रोकेंगे। पता है कुरान करीम को हुर्मत है, लोग जज्बाती हो जाते हैं, हदीस से लोगों को रोकते हैं। समझ आ रही ना जी? और जी हदीसें नहीं पता नहीं कहाँ किसने लिखी हैं, कैसे हुआ। बस जिन लोगों ने कुरान महफूज किया उन लोगों ने हदीस महफूज की, सीने में भी किताबों में भी। ये मशकूक तो ये भी मशकूक। अल्लाहु अकबर। एक मुनाफिकीन की और सिफत यहाँ बयान की है, वो ये है कि जब इनको कहा जाता है कि आओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ, फैसला अपना रसूल की तरफ दे आओ, युरीदूना यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, तो ये अपना फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल के पास कुरान और हदीस पर पेश करने के बजाय तागूत की तरफ ले जाते हैं, काफरों के निज़ामों की तरफ ले जाते हैं कि नहीं जी हम वहाँ से हमारे मुफाद में ज़्यादा बेहतर फ़ैसला होगा। ये मुनाफिकीन की एक सिफ्त है। एक और इनकी बड़ी सरस्त गंदी बयान हुई, बुरी सिफ्त क्या है? फरमाया मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा वला इलाहा इल्लह, ये काफ़रों और मुसलमानों के दरमियान मुतज़ब्ज़ब मुतशक्किक रहते हैं। इधर से मफाद नज़र आया, मुसलमानों के साथ मिल गए, काफ़रों से मफाद नज़र आया, काफ़रों के साथ मिल गए, दोनों को राज़ी हैं जी। हैं कैसे कहा था किसी ने, काबा का तवाफ़ भी, गंगा का अशनान भी, राज़ी रे रहमान भी, शैतान भी, दोनों। और किसी शायर ने क्या कहा था, दुरंगी छोड़ यक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ यक रंग हो जा, या सरासर मोम या सरासर संग हो जा। ये दुरंगी है ना, मुज़ब्ज़बीन, अभी कारी साहब ने आयत पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा वला इलाहा इल्लह, ना उधर पक्के ना इधर पक्के, दरमियान में मुफाद परस्त। इनकी एक और सिफत बयान की, गंदी आदत, वो क्या है, वइज़ा कामू इलस्सलात कामू कुसाला युराउन अन्नास वला यज़्कुरून इल्ला कलीला, जब नमाज के लिए खड़े होते हैं बड़े सुस्त लापरवाह, जमाइयाँ लेंगे, इधर वज़न डालेंगे, उस टांग पर वज़न डालेंगे, हैं जी, खुजलियाँ करेंगे। नमाज इन पर भारी है, नमाज इन पर भारी है। समझ आ रही ना जी? हाँ, मोमिनों पर नमाज भारी नहीं है। फरमाया वला यज़्कुरून इल्ला कलीला, बहुत कम अल्लाह का जिक्र करते हैं, बहुत कम नमाज में अल्लाह का जिक्र करते हैं, भारी है। बस जान छोड़, नग पूरे करना, नग पूरे करते हैं बस, खटाखट खटाखट खटाखट, वो नमाज की ख़त्म। ये मुनाफिकीन की सिफत सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5वें पारे में बयान की है। फिर यहाँ कत्ल के अहकाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए, कत्ल ख़ता है, कत्ल अमद है। कत्ल ख़ता है कि आप शिकार कर रहे थे, गोली चलाई, बंदा गया आ गया कुदरती, आप गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी ओवर स्पीड नहीं थी, मुनासिब स्पीड नहीं थी, अचानक बंदा दौड़ के आगे आ गया, बंदा मर गया, ये कत्ल ख़ता है। मूसा अलैहि सलाम ने मुक्का मारा, जान छुड़ा, उसको छुड़ा रहे थे बंदे को, मुक्का मारा, बंदा मर गया, ये कत्ल ख़ता है। तो कत्ल ख़ता में किसास नहीं है, दियत है और कफ़ारा है। इसी सूरह निसा में बयान हुआ। अलबत्ता जो कत्ल आमद है कि जानबूझकर कत्ल करना या कत्ल करना मकसद नहीं था, लेकिन ऐसे आले से कत्ल किया कि बंदा मर जाता है, मसलन छुरी से, बंदूक से, ऐसी किसी चीज़ से उसको मारी है कि बंदा उमूमन कत्ल हो ही जाता है, तो ये कत्ल आमद है, जानबूझ के कत्ल है, तो ये बहुत सख्त सज़ा है इसकी। वमन यक्तुल मोमिन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फ़ीहा। फरमाया कि जो किसी मुसलमान मोमिन को जानबूझकर कत्ल करेगा उसकी सज़ा जहन्नम में हमेशा उसमें रहेगा, हमेशा रहेगा। और इसमें फिर सबसे पहले तो माफ़ी है, अगर माफ़ नहीं करते तो फिर दियत है, अगर दियत भी वो नहीं लेते तो फिर किसास है, फिर कत्ल के बदले में ये बंदा कातिल कत्ल होगा कि वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब। तो मज़ीद नशे के हवाले से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी बातें इसमें बयान की हैं। अल्लाह ताला दीन को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।